कि महंत संत को क्या आवश्यकता गनर वनर और लाव लश्कर सुरक्षा की, साधु संतों को कहाँ। दिव्यानंद महाराज जी, हमने तो नहीं देखा भाई आपके साथ बहुत सारी सुरक्षा व्यवस्था ऐसी कि आपको जान का खतरा हो। महाराज जी, ऐसा है, सबसे पहले बताऊं कि आजम खान साहब जो बोल रहे हैं गनर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगर हम राम राज्य लाने की चेष्टा कर रहे हैं और राम राज्य लाने की चेष्टा में राम विरोधी अगर होंगे, जो रामायण का विरोध करेंगे, श्री राम का विरोध करेंगे, मंदिर का विरोध करेंगे जी, तब तो कहीं कहीं असुरक्षा की वातावरण बनते ही है। बिल्कुल, तो ये समझा जा सकता है कि किसके कारण हम भगवाधारियों को, सन्यासियों को ग्रहण की आवश्यकता पड़ती है जी। सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरा प्रश्न होता है कि इन्हें लिया गया तो ये अभी अपने प्रश्न उत्तर देने के अलावा कुछ और उत्तर दे रहे हैं, विषयांतर क्यों करते हैं, इनके पास कोई उत्तर नहीं है। ये तो हमेशा विरोधी संतों का विरोध करेंगे, तो ये राम का विरोध करेंगे, ये हिंदुत्व का विरोध करेंगे, ये रामायण का विरोध करेंगे, सनातन का विरोध करेंगे, तो जब जाहिर हो चुका है, देख चुकी है जनता, तब इनको नकार दिया। यह भी इनको समझना चाहिए कि इस प्रकार के विरोध करते करते जनता इन्हें छोड़ दे, भी ना निकाल बाहर करेगी जनता भी है। किसको महाराज जी, किसको बाहर करेगी? राम के विरोधी है जी, जो राम और सनातन। अच्छा महाराज जी, कौन कौन है वो लोग? आपके पास भी जानकारी पूरी रहती है, कौन कौन है वो जो विरोधी हैं? अभी तो जो खंडन कर रहे हैं जी, जो आज संतों का विरोध कर रहे हैं और जो ठिकरा फोड़ रहे हैं दूसरे पर, आपके प्रश्न का उत्तर कोई और कुछ दे रहे हैं। स्पष्ट रूप से देख लीजिए, चैनल पर ही बैठ के ये कर रहे हैं आजम खान जी। क्या एक संत को किसी भी राजनीतिक दल के लिए अपनी कोई बात कहना या बात रख देना या अपनी स्वेच्छा जाहिर करना अपराध है महाराज जी? नहीं, बिल्कुल, ये तो बात पुरानी हो गई, क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब मुख्यमंत्री पद पर इतने वर्षों से बैठे हैं और सफलतापूर्वक काम चला रहे, यहाँ से पाकिस्तान तक उनकी तूती बोल रही है, तो ये प्रमाणित हो गया है कि जहाँ राजतंत्र है उसके ऊपर में धर्मतंत्र है जी। तो इसको नकेल कसने के लिए धर्म को ही आना पड़ता है, और जब धर्म आया तो देखिए धर्मात्मा जी पे आ गए, जोगी जी आ गए, तो किस प्रकार वहाँ अपराधियों का सफाया होना शुरू हो गया, सारे लोग जेल में ही भागना ज्यादा उचित समझे, तो ये तो प्रमाणित हो चुका है जी। इसलिए ये प्रश्न करना ही अब बिल्कुल सही, कहीं से कोई लाजमी नहीं है।